हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आपके लिए मैं लेकर आया हूं अनदर वीडियो जिसपे हम बात करेंगे आज एसबीआई के क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के बारे में, जो कि आज डेट है 31 जनवरी 2020 और आज वो रिलीज हुआ। सो गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा और पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। ईयरली भी देखेंगे हम एनुअल रिजल्ट कैसा रहा। और अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो क्या जनरेट हो रहा है, क्या कैश इनफ्लो जनरेट कर पा रही है ये एसबीआई बैंक, या आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो हो रहा है, सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद कुछ हाइलाइट्स भी देखेंगे कि रिजल्ट और तरीके से कि कैसा अच्छा रहा, कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद हम बढ़ेंगे चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या पैटर्न्स बन रहे हैं या हमें किस तरीके से एसबीआई को चार्ट में ट्रेड करना है। सो गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में और कंपेयर करते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर से, दिसंबर 2018 के क्वार्टर से इस साल का जो 2019 का दिसंबर था वो कैसा रहा। कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और आप डेफिनेटली अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्वार्टरली रिजल्ट का चार्ट वो ओपन कर रखा है, और अगर आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टरली रिजल्ट का है, और आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2019 का जो कि आज आया है, और ये 2018 का है जो हम पिछले साल के दिसंबर से कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो चेंज अगर आप देखेंगे तो चेंज पॉजिटिव है, 8.70% का चेंज देखने को मिला है। यानी कि इंटरेस्ट अर्न, जिन्होंने इंटरेस्ट को अर्न करा है, वो 62,276 करोड़ से बढ़ के 67,690 का हुआ है। सो हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है हमने पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 9% तक का हमें इंटरेस्ट इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं गाइस पीबीडीआईटी के बारे में, अगर आप देख सकते हैं पीबीडीआईटी का है, इसका मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो आप समझ जाइए कि प्रॉफिट बिफोर इनडायरेक्ट टैक्स, बिफोर टैक्स ही है, अगर आप ये इजीली वर्ड्स में समझना चाहें तो। आप देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर से 44% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है पॉजिटिव। यानी कि पिछले साल के क्वार्टर में था अगर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,624 करोड़ का, तो वो बढ़ के गाइज हो चुका है 18,222 करोड़ का। सो बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा इंक्रीज हुआ है, लगभग 50% तक कम देख रहे हैं कि एक इंक्रीज देखने को मिला है हमें। अगर हम बात करते हैं एनपीए के बारे में, एनपीए जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। अगर हम एनपीए परसेंटेज की बात करें तो पिछले टाइम पे अगर एनपीए 4% था तो वो गिर के 2.65 आ चुका है, तो बहुत बढ़िया है गाइज ये, और हम मान के चल सकते हैं कि इसके एनपीए भी हल्के हल्के कम हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं गाइज ग्रॉस एनपीए के बारे में, तो ग्रॉस एनपीए में अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है, जो पिछले क्वार्टर के साल पे था 8.71 वो गिर के हो गया है 7 पे। तो हम देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से एनपीए भी इस बैंक के कम हो रहे हैं, और एनपीए जिस तरीके से नेट प्रोविजन एसेट्स कम होते हैं वो बहुत बढ़िया होता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो 44% था, और नेट प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है 41.18%। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि 4,000 करोड़ की अगर हम बात करें, हम एप्रोक्स लेकर चल रहे हैं, उससे बढ़ के ये 5,580 करोड़ का हो चुका है नेट प्रॉफिट। सो इस तरीके से बढ़ रहा है, और क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स हैं। अब हम बढ़ते हैं एनुअल रिजल्ट्स पे, और एनुअल रिजल्ट्स पे देखते हैं कि किस तरीके से एनुअल रिजल्ट्स रहे हैं। एनुअल रिजल्ट्स भी गाइस सेम तरीके का होता है, आपको पता होगा यहाँ पर भी इंटरेस्ट अर्न है, सेम तरीके के वो चीज़ें हैं, बस हम एनुअल बेसिस पे इसे चेक करने के बारे में देख रहे हैं। हम सिर्फ चेंज की तरफ देखेंगे, और हम देखेंगे चेंज परसेंटेज में किस तरीके से इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है। तो 10% का अगर हम देखें कि इंटरेस्ट अर्न पिछले साल मार्च 18 से लेकर मार्च 19 तक का चेंज हम देखें तो वो पॉजिटिव आया है। हाँ गाइज, हम थोड़ा दूर का देख रहे हैं एनुअल रिजल्ट का, क्योंकि अभी 2020 का मार्च का एनुअल रिजल्ट नहीं आया, पर अगर हम कंपेयर करने के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से एसबीआई के रहे हैं। आप देख सकते हैं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो माइनस में था गाइज पिछले क्वार्टर ईयरली पे मार्च 18 पे, वो बढ़ के पॉजिटिव पे आ गया, यानी कि 113% का इसने चेंज दिया है एनुअली। सो गाइज, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं इस कंपनी के जो आए हैं।
अगर हम इसके बात करते हैं कि गाइज इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है, अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो वो बैलेंस शीट कैसा गया, हम उसके बारे में देखते हैं। और बैलेंस शीट पे अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर चार कॉलम्स दिख रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात अगर करें डिपॉजिट के बारे में, तो डिपॉजिट आप देख सकते हैं कि 7.58% से पिछले मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 में हमने देखा है इंक्रीज देखने को मिला है। एडवांसेस की बात करें तो वो 13% बढ़ा है और गाइस पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें एक मैसिव इंक्रीज देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट्स हाँ कुछ कम हुई है, हमने देखा है कि 8 से 8.5-9% तक की इन्वेस्टमेंट्स हमने कम होते हुए देखी है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,60,000 से हमने देखा है कि 9,65,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट्स रह गई। पर टोटल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं हाँ गाइज वो भी इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिला है। 6.5% तक का हमें इंक्रीज इसमें भी देखने को मिला है टोटल एसेट्स पे। सो बहुत बढ़िया तरीके की है। अगर हम इसके पीएनएल की भी अगर आप बात करें तो पीएनएल भी अगर आप देखिए तो पीएनएल में इंटरेस्ट अर्न, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब पॉजिटिव में है। हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव नहीं है पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक तरीके से हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में तो कैश फ्लो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मैसिव चेंज आया और कैश इनफ्लो जनरेट हुआ। मार्च 2018 की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2018 में इन्हें 85,425 का कैश आउटफ्लो था। अगर आप यहाँ पर चार्ट्स पर देखेंगे तो मार्च 2018 में जो बार्स हैं वो नीचे की तरफ बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना डिक्लाइन था। पर उन्होंने जैसे ही अपना प्रोविजन जो उनके नेट एनपीए थे वो कम हुए, उनके जो प्रॉफिट्स थे वो इंक्रीज हुए, आप सडन इंक्रीज देख सकते हो चेंज का 140% का इंक्रीज देखने को मिला हमने कैश इनफ्लो पे। और गाइज ये कैश इनफ्लो है ना कि आउटफ्लो, मतलब इनके पास जो पिछले से पिछले साल अगर हम बात करें मार्च 2018 में 85,000 crores का आउटफ्लो था वो बढ़ के प्लस में आ गया पिछले साल मार्च 2019 में, और वो भी बढ़ के हो गया 35,000 crore का। सो गाइज बहुत मैसिव इंक्रीज देखने को मिला है हमें कैश इनफ्लो के अंदर और हम देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया इस तरीके ने अच्छा करा है। तो अगर हम कुछ हाइलाइट्स की बात कर ले कि ये जो क्वार्टर रहा ये क्वार्टर का अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं तो वो क्वार्टर कैसा रहा, तो आप देख सकते हैं कि गाइज नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी हमने देखा है कि अच्छे से बढ़ा है, ग्रो हुआ है, यानी कि 22.42% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस में बात करें तो 13% का हमें क्वार्टरली बेसिस में नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज होते हुए देखा। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी इंप्रूव हुआ है, 3.59% से इंप्रूव हुआ है Q3 पे 2020 फाइनेंशियल ईयर पे। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वो भी इंक्रीज हुआ, अगर आप यहाँ देख सकते हैं 18,223 crore से इंक्रीज हुआ है, जो कि पहले था अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर में तो वो था 12,625 crore, जो कि हम आपको पीछे दिखा चुके हैं। तो जो इंक्रीज हुआ है वो ईयर ऑन ईयर वो हुआ है 44.34% से। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो गाइज वो क्रेडिट ग्रोथ जो आया है वो आया है 6.79% ईयर ऑन ईयर पे। सो हम देख सकते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत बढ़िया आए हैं, एक्सपेक्टेशन से मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके एनपीए रेशियोज के बारे में तो एनपीए रेशियोज पे भी आप देख सकते हैं कि एनपीए रेशियो जो था वो 2.65 था, यानी कि 130 basis points ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है और 14 basis points अगर हम बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन हुआ है। ग्रॉस भी आप देख सकते हैं कि 6.94% ग्रॉस एनपीए डाउन हुआ है, यानी कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 177 basis points कम हुआ है। क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे आप देख सकते हैं कि 25 basis points एक कम होते हुए देखा। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी इम्प्रूव्ड हुआ और ये बैंकों के लिए बहुत अच्छा होता है, 81.73% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अगर हम ईयरली बेसिस में बात करें तो 710 basis points इंक्रीज हुआ और क्वार्टरली बेसिस पे 50 basis points इंक्रीज हुआ है। स्लिपेज भी अगर हम बात करते हैं तो गाइस स्लिपेज भी हल्के हल्के जो है वो बैंक सुधार रहा है। सो एक तरीके से अगर हम बैंक के ओवरऑल बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में और अच्छे से देखते हैं तो इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग है और हम मुझे लगता है कि ये बैंक बहुत अच्छे से करके दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट्स के बारे में और चार्ट्स की स्टडी करते हैं तो हम चार्ट्स की तरफ बढ़ के देखते हैं किस तरीके से चार्ट्स हमें शो कर रहा है कि हमें किस तरीके से इसमें ट्रेड लेना चाहिए। सो गाइस हम चार्ट्स की तरफ बढ़ चुके हैं और चार्ट्स में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमने SBI का डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और डेली चार्ट में हमें लगता है कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ड्रॉ कर रहा है।
अगर हम बात करते हैं इसके पैटर्न्स के बारे में, तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस पे, अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ले, तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस करें तो अगर हम टॉप्स को मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है जो कि तीन पॉइंट्स को मैच करके बन रही है, जो कि हम मान सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बना रही है। अगर हम बात करते हैं गाइज एक बॉटम के बारे में ढूंढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक तरीके का हमें इसमें एक पर्टिकुलरली बॉटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, सो ये एक तरीके का बॉटम है। मैं इसे थोड़ा लाइट कर देता हूँ कि आपको इसे देखने में आसानी हो जी गाइज। सो अगर हम बात करते हैं, अगर हम टॉप्स को मैच करते हैं तो हमें लगता है कि गाइज ये एक लोअर लोज बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। और अगर हम बॉटम्स की बात करते हैं तो हाँ बॉटम स्टेबल है, यानी कि बॉटम हम मान के चल सकते हैं लोअर लोज नहीं बना रहा, वो एक स्टेबल है या डबल बॉटम्स बना रहा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक सडन मूवमेंट हमें देखने को मिली। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसके बेसिस में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेली चार्ट है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जुलाई के टाइम पे ये जो पर्टिकुलरली स्टॉक था अराउंड 370 पे, वहां से उसने फॉल करना शुरू करी और फॉल करते करते वो गाइस अराउंड 250 के आसपास आ गया। ठीक है गाइस, 250 के आसपास आ गया 2370 से। फिर हमने देखा कि उसने एक रैली दी, ये आप रैली देख पा रहे हैं, ये एक रैली दी इसने। ये रैली देने के बाद हम देख रहे हैं कि वो एक रेंज में जा चुका है। ये गाइस ये जो टॉप्स और मैंने जो ये बॉटम मिलाया है ये एक रेंज के अंदर जा चुका है। अब क्या हो रहा है, ये इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर, आप देखते हैं ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो जैसे ही ये इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता है, ये जैसे ही इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो इसका जो ऊपर की तरफ टारगेट होगा वो टारगेट क्या होगा वो मैं अब आपको बताता हूं गाइस। ये फ्लैग पैटर्न है, यानी कि ये फ्लैग है, ये पोल है और ये इसका फ्लैग है। तो इसका जो टारगेट होता है, अगर ये इस साइड में ब्रेक करता है तो उसका जो टारगेट होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं ये सारी चीजें, अब फिर दिखाता हूं गाइस। इसका जो टारगेट होता है वो होगा ये डिफरेंस इसका, यानी कि ये जो लेवल है, ये लेवल है अराउंड 310 का लेवल, और अगर हम इस लेवल की बात करते हैं तो ये है 250 का लेवल। ठीक है गाइस, अगर हम इसके डिफरेंस को लेते हैं तो इसका डिफरेंस कितना निकलता है, 60 पॉइंट्स का इसका डिफरेंस निकलता है। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये लेवल का ब्रेक लेवल कौन सा हुआ, ये लेवल हुआ 330 अराउंड समथिंग का लेवल। तो ये 330 लेवल को जैसे ही ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये वहां से एग्जैक्ट 60 पॉइंट्स की रैली देगा, जो कि इसको अराउंड 390 तक लेकर जा सकता है। हाँ गाइस, ये 318 पे भी ट्रेड कर रहा है, हमें कब तक वेट करना है, जब ये 330 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलता है। ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अराउंड इस लेवल पे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो हमारा टारगेट होगा गाइस, वो हमारा टारगेट आप पता है आपको कि वो इस लेवल पे होगा, ये हमारा लेवल है, यानी कि इतनी अपसाइड है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस सिर्फ हमारा इतना सा है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो अभी ये इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं ये चैनल है। अभी इसने आज जो मूवमेंट दी है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता गाइस, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो मूवमेंट दी है वो गाइस आज इसने 7 रुपए की मूवमेंट दी है। ये देख रहे हैं, ये जो आपको रेड ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, जिसने प्रीवियस दिन एक जो गिरावट दिखाई थी उसको पूरा कोप अप कर लिया, और हम देख रहे हैं कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तरीके से अगर हम बात करें तो उसने उसको कवर कर लिया। तो अब अगर अब यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट करता है तो गाइस जो रिस्की ट्रेडर्स अगर हम उसकी बात करें तो वो ये बॉटम का स्टॉप लॉस मान के आप एक बार इस पे बाय पोजीशन बना सकते हैं। और बाय पोजीशन बनाने के बाद मैं आपसे एक सलाह ये लेना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि जब ये 330 के आसपास आता है, मैं सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ गाइस, आप ध्यान से सुनिए, 318 इसका CMP है, कल बजट है, मार्केट थोड़ी बहुत वॉलेटाइल हो सकती है। अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट अभी चल रही है, पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो 17 के ऊपर है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हम अभी आपको यही सलाह देंगे कि बैंकिंग तो सेक्टर और वीक है, सो गाइस बहुत कॉशियसली ही ट्रेड करेगा, इसलिए मैं रिस्की स्टॉक्स ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। 318 पे जो भी बाय करना चाहता है रिस्की ट्रेडर्स वो बाय कर सकता है, स्टॉप लॉस लगाना है 300 के नीचे, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे
टारगेट आपका सबसे पहला होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 330 का, आपको यहां पर 25% प्रॉफिट बुक कर लेना है। हाँ गाइस, 25% प्रॉफिट बुक कर लेना है, या आप 50% भी कर सकते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, निकला और दोबारा नीचे आता है और ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर सपोर्ट लेके जैसे ही बाउंस बैक करेगा, हम दोबारा यहाँ पर अपनी पोजीशन को बढ़ा लेंगे। अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, और उसका जो टारगेट होगा वो होगा 390 का। बीच में थोड़े बहुत हर्डल्स आएंगे, हम उस पर कॉप अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस कि कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली लग सकता है। अब हम टाइम फ्रेम की बात करेंगे और कितना टाइम लग सकता है हम उसको देखेंगे। सो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कितना टाइम फ्रेम लग सकता है। ये जो पैटर्न बनना शुरू हुआ है, ये पैटर्न बनना शुरू हुआ है 1 अक्टूबर से, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 3 महीने में ये जाके पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं है। 3 महीने अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं, पूरे के पूरे 3 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक ये पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आया। तो जिस डेट को ये पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना टाइम लगता है उस टारगेट तक पहुंचने में। हाँ गाइस, अगर ये 3 महीने का टाइम लेके ब्रेकआउट देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 महीने लगा सकता है ये 390 तक आने में, और उससे कम टाइम भी लग सकता है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा टाइम ये लगाएगा। अब मैं आपको गाइस प्रॉफिट परसेंटेज में बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना आपको एक तरीके से मिल सकता है। तो ये देखिए गाइस, ये रहा, और मैं इसे थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। मैंने आपके लिए जो स्टॉप लॉस लगा के रखा है, वो स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा है 299 का, ओके बेसिस में। सो अगर आप इस लेवल से बाय करना चाहते हैं, जो आपको लेवल दिख रहा है, तो आपको 6 से 6.5% तक का एक रिस्क लेकर चलना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और जो आपका टारगेट है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, जो कि 6.5% का दिखा रहा है। टारगेट क्या है, 72 पॉइंट्स का रिस्की ट्रेडर्स के लिए, जो कि 22% का रिटर्न है SBI जैसे स्टॉक में, जो कि इतना बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है गाइज। और ये 70 रुपये, यानी कि 22% अगर आपको SBI में मिल रहा है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप इसमें डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। अब गाइज, मैं ये सेफ ट्रेडर्स के लिए करना चाहूँ, तो सेफ ट्रेडर्स के लिए अराउंड ये लेवल आता है, और ये लेवल पे स्टॉप लॉस आपका एग्जैक्ट ये होगा। पर जो हमारे टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स की जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ गाइस, तब हमारे लिए जो प्रॉफिट परसेंटेज रह जाएगा वो 18% रह जाएगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हमारा 6% से बढ़ के 7% तक हो जाएगा। ये पर रिस्की ट्रेडर्स के लिए क्या है कि वो स्टॉक यहां से भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी वीक है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के स्टॉक्स वीक है, और उसमें हम रिकवरी देख नहीं रहे, क्योंकि जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो पॉजिटिव बन रहे हैं, पर वो उन पैटर्न्स को भी फेल कर रहा है। सो गाइस, बहुत कॉशियसली मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, और डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूं कि अगर ये यहां से ऊपर जाके नीचे आता है, यहां डिप देता है इस लाइन पे, और फिर एक बार हम बाउंस बैक देखते हैं ऊपर की तरफ, डेफिनेटली सेफ ट्रेडर्स बाय करिए, और मैं आपको कह सकता हूं कि आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से लेकर निकलेंगे। गाइज, ये मेरे पोर्टफोलियो पे है, हमने 305 के लेवल के आसपास हमने इस पर अपनी पोजिशन मैंने तो बना ली थी गाइज, क्योंकि गाइज मैं जो मेरे जो सेफ ट्रेडर्स हैं और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, उनको सलाह यहीं से दी जाती है, क्योंकि अगर मुझे लॉस होगा तो वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करने वाला, और जो मुझे प्रॉफिट होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला। तो मैंने रिस्क लेके, एक छोटा सा रिस्क लेके मैंने गाइज यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई थी, और मुझे मिल गया था, तो एक टाइम के लिए एक बार आया था तो मैंने अपनी बाय पोजीशन बना ली थी। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है स्टेट बैंक के बारे में, और क्वार्टर रिजल्ट्स मैंने अगर आपको ठीक से समझा पाया गाइस, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सी तरीके की वीडियोस चाहिए। हम हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए बनाएंगे। एक और पैटर्न के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है, और वो पर्टिकुलरली एक स्टॉक है जिसके बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हम मारुति के ऊपर उसको स्टडी कर रहे हैं। अगर वो मारुति का स्टॉक एक रिवर्सल देता है और 7200 के ऊपर 10 या 5 दिन के अंदर अंदर निकल जाता है, और यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड हमें देखने को नहीं मिलती है, तो वो पैटर्न की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और बेस्ट रिवर्सल आपको बता दूंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक सीक्रेट है, और आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिटर्न अर्न कर पाएंगे। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक हमें बताइएगा गाइज। और अगर हम बात करें तो जो हमारा रिपब्लिक डे का ऑफर था, जो हम अपने जो हम कॉल्स के लिए ऑफर्स लेकर आए थे, वो गाइस ऑफर की लास्ट डेट थी कल, कल है 1 फरवरी को, बजट वाले दिन।
तो जो लोगों ने भी अवेल करना चाहते हैं, अब हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी मेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बजट से हमें एक नई रैली देखने को मिलेगी मार्केट पे, और जो बेस्ट स्टॉक पिक्स होते हैं गाइज वो तब मिलते हैं जब मार्केट नीचे गिरी हुई होती है, बॉटम के आसपास होती है, और तब वहाँ से लार्ज कैप स्टॉक्स को उठाने में बहुत मज़ा आता है गाइज, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर हम बात करें या मीडियम स्टॉक्स की बात करें तो उन्होंने 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा रैली दे दी है, डबल हो चुके हैं, कुछ कुछ 50% भाग चुके हैं। अब बात है लार्ज कैप्स की, अब लगाना है उन पे पैसा, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम सब लोग आप लोगों को बताएंगे, इंक्लूडिंग चार्ट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।